हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छे रिजॉर्ट की डिटेल्स, जो कि मैं अभी चिकमंगलूर होके आई हूँ 4 नाइट्स के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग मुझे ये रिजॉर्ट लगा, तो मुझे लगा कि आप लोग के साथ मुझे डिटेल्स इसकी शेयर करनी चाहिए। तो ये है ब्लॉसम रिजॉर्ट चिकमंगलूर में, और जो हम लोग ने जो रूम्स लिए थे वो था टेरेस रूम व्यू, इनका गार्डन रूम व्यू भी है और हिल रूम व्यू भी है। तो आप हिल रूम व्यू से आप देखोगे तो आपको माउंटेन्स वगैरह दिखेंगे, और गार्डन व्यू से गार्डन्स दिखेंगे, और टेरेस वाले से आप एक फ्लोर ऊपर रहोगे। तो हम लोग ने जो लिया था वो था टेरेस व्यू रूम। तो टेरेस व्यू रूम का जो प्राइस था वो 8500 अराउंड था, जिसमें हमारा ब्रेकफास्ट और डिनर हमारा इंक्लूडेड था, और कुछ डिस्काउंट वगैरह होने के बाद ये 8500 पड़ा था। और जो गार्डन व्यू रूम है वो 1000 थोड़ा सा सस्ता है। तो आप लोग भी देख सकते हो, इनके रूम्स वगैरह मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे थे। प्रॉपर्टी काफ़ी वेल मेंटेन्ड और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। तो ये आप व्यू देख रहे होंगे, ये पूरा बाहर का पूरा व्यू है, और ये है पूरा ब्रेकफास्ट और डिनर होने वाला था। लंच भी आप ऑर्डर कर सकते हो, एला कार्ट इनके पास अवेलेबल रहता है। तो अभी हम लोग आ गए हैं हिल व्यू रिजॉर्ट। तो हिल व्यू कॉटेजेस में कुछ रूम्स कुछ इस तरीके के दिखते हैं गाइस। तो अभी हम लोग हिल व्यू वाले जो रूम्स हैं उसकी बालकनी में आ गए हैं, और ये आप देख रहे हैं पूरा हिल व्यू वाला रूम है। सामने से आप पूरे देख रहे होंगे, पूरे माउंटेन्स वगैरह यहाँ पे दिख रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा व्यू यहाँ से दिख रहा है। पूल वगैरह भी है, और इसके ही जस्ट नीचे जो है रेस्टोरेंट है, और इसके जस्ट अपोजिट साइड में आप देख रहे होंगे पूरा हट पूरा बना हुआ है। तो इसी विलास में जो हमारा टेरेस वाला हमारा रूम है, और नीचे में जो है गार्डन व्यू वाला रूम है। तो काफ़ी अमेजिंग मुझे ये प्रॉपर्टी लगी, और नाइट में प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके की दिखती है। बाहर बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग लगता है, पूरी लाइट्स वगैरह लगे हुए हैं, स्विंग्स वगैरह हैं, आप बाहर पे बैठ के इंजॉय कर सकते हो, टाइम अपना स्पेंड कर सकते हो। ये है रेस्टोरेंट। तो अभी रात का टाइम है, यहाँ पे हम लोग का बफे था। तो डिनर में आप देख रहे होंगे स्वीट कॉर्न वेज सूप है, और सारे सैलेड वगैरह रखे हुए हैं। जो भी चीज़ अवेलेबल है मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। तो बेबी कॉर्न, मंचूरियन और पनीर, और सारी चीज़ें हैं, नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, और साथ में नॉनवेज का भी ऑप्शन है। तो खाना भी काफ़ी अच्छा था। मुझे ब्रेकफास्ट ज़्यादा पसंद आया था इनका, डिनर से मुझे ज़्यादा अच्छा कंपेयर अगर करें तो मुझे ब्रेकफास्ट ज़्यादा अच्छा लगा था, डिनर भी अच्छा था। और लंच में अलग काटे हैं, तो अगर आपको लंच भी लेना है तो आप ले सकते हैं। और मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी कि हम लोग 6-7 लोग थे, उतने में हम लोग ने एक दिन लंच भी किया था। तो मतलब हमारा बहुत ज़्यादा चीज़ें मंगाई थी, हमारा 1000-1200 में पूरा लंच हो गया था। मतलब काफ़ी रिजनेबल मुझे ये लगा। और मॉर्निंग 11 AM से लेके 6 PM तक इनका पूल भी ओपन रहता है। तो पूल में जैसा कि हर जगह रहता है कि आपको स्विमिंग कॉस्ट्यूम वगैरह लेकर के आना होगा, बस एक चीज़ था कि हम लोग को पता नहीं था कि यहाँ पे बार नहीं है। तो अगर किसी को बार चाहिए तो बार के लिए आपको बाहर से या तो आप अपने ड्रिंक्स वगैरह ले आ सकते हो, मगर ले आके आपको रूम पे ही आपको ड्रिंक करना होगा, मगर यहाँ पे अलाउड नहीं है कुछ भी। तो मुझे लगता है बार होता तो थोड़ा और ज़्यादा हैपनिंग होता ये जगह। और अब मैं आपको लेके चलती हूँ इनके जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पे लेके चलती हूँ। तो सबसे पहले तो आपको मॉर्निंग में यहाँ पे आप नेचर के बीच में आप वॉक कर सकते हो,
तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे मॉर्निंग में। और या इनकी प्रॉपर्टी इधर साइड में बहुत ज़्यादा बड़ी है। फिर उसके बाद इनका जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है, बर्मा वॉक, बर्मा ब्रिज, आर्चरी, आप ऐसे काफ़ी सारी इनके पास एक्टिविटीज़ हैं जो कि मॉर्निंग में तो नहीं ओपन होती है, 3 PM से लेके 6 PM तक अवेलेबल रहते हैं इनके एक्टिविटीज़। तो उस टाइम पे आके आप कर सकते हो। और मॉर्निंग में भी होता तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इवनिंग का टाइम आप बाहर मतलब घूमने में लगा सकते थे, मगर एक दिन आपको आपको रिजॉर्ट में रह करके आपको इन सारी एक्टिविटीज़ को करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कितना ब्यूटीफुल व्यू दिख रहा है। और ये जो नेचर वॉक है, आप मॉर्निंग में या इवनिंग में आप कभी पे भी कर सकते हो, ऐसा कुछ यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। यहाँ पे एक्टिविटीज़ काफ़ी सारी हैं। कौन कौन सा? बर्मा ब्रिज, और क्या है, लैडर, कौन सा ब्रिज, लैडर, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि 3 to 6 ओपन होता है। तो गाइस, आउटडोर एक्टिविटीज़ में ये सारी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे, और इंडोर एक्टिविटीज़ और किड्स प्ले एरिया पूरा टाइम ओपन रहता है, आप कभी भी जाके उसे यूज़ कर सकते हैं। और गाइस, इस रिजॉर्ट से कहीं भी जाने का डिस्टेंस जो है, मैं यहाँ पे सारे जो भी प्लेसेस हैं इस रिजॉर्ट से जाने के लिए, मैं सारे यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ, तो आप अकॉर्डिंगली आप देख लेंगे कि कितनी दूरी पे सारी चीज़ें पड़ रही हैं। ऊपर जा सकते हैं क्या? Thank you.